इधर जांजगीर में रामनामी सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में डिप्टी सीएम विजय शर्मा पहुंचे। इस दौरान रामनामी पंथ के लोगों ने भजन गाया, जिसे सुनकर डिप्टी सीएम के साथ ही अन्य मौजूद लोगों ने भी खूब तारीफ की। कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार के लिए सक्ति आए थे और तब उनके साथ रामनामी पंथ के लोग भी मंच में साथ बैठे थे। इसके बाद आभार जताने के लिए रामनामी सम्मेलन का आयोजन किया गया था। मीडिया से बात करते हुए डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि रामनामी पंथ के बारे में काफी सुना था और आज देखा तो मन को बड़ी ही प्रसन्नता हुई। रामनामी पंथ के लोग पूरे शरीर में, बता दें कि राम नाम का गोदना गुदवा कर रखते हैं और राम भजन में लीन रहते हैं, इसीलिए इन्हें रामनामी कहा जाता है। ये कार्यक्रम हुई से अभी मोदी जी के वजह से अब अभी आयरी से मंत्री जी तो हमन ला बहुत आनंद लगी से भजन भी सुना है, मुकुट पहरा के ओढ़नी ओढ़ा के स्वागत भी करे हैं। उनके भजन हर 200 साल हो गए आ थे, हमारे उमे के पांचवे पीढ़ी बलरामे का ही भजन गाते हैं गाथन और रामे के भजन दोहा चौपाई सुख सागर प्रेम सागर अनुराग सागर रामायण और कबीर ग्रंथ सब के कथन टीका चौपाई में मन में राम तन में राम रोम रोम में राम रे ऐसा सुनते आए थे। मैंने आज प्रत्यक्ष दर्शन किया, अद्भुत भक्ति है, भगवान की भक्ति ऐसी नहीं देखी मैंने कभी। और अब शराब घोटाले मामले में बड़ा अपडेट आपको दे दें। छत्तीसगढ़ में शराब घोटाले मामले में फर्जी होलोग्राम